90.4. जी वेरी गुड इवनिंग, आपसे हैं मेरे साथ यानी रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहे काउंट डाउन 90.4 एफएम रेडियो खुशी के साथ गुनगुना रहे हैं आप। और स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं हमारे साथ ऋचा जी। तो हेलो ऋचा जी, कैसी हैं आप? वेलकम टू रेडियो खुशी 90.4 एफएम। हाय फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल एंड थैंक्स अ लॉट ऋषभ इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। माय गॉड, आपकी आवाज सुनकर तो मेरा दिन और बन गया। वेल मसूरी, मसूरी का मौसम और यहाँ की वादियाँ और यहाँ के लोग सबसे पहले, है ना? ऑसम, एग्जैक्टली। और व्हाट अबाउट मी? ओह ओके, एंड यू नो ऋचा जी हमारे साथ हैं यहाँ पर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर है। एग्जैक्टली, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, हमारी लाइफ में हम सब जितने भी अपने काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके दिन तक, हम कहीं ना कहीं अपनी अपनी खुद की एक पहचान और खुद की एक सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऋचा जी हमारे स्टूडियो में हैं और invincibleWOW.com यू नो खुद की फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में काम करती हैं। और देहरादून में इन्होंने जो है ICSE और CBSE और IGSE बोर्ड के साथ मिलकर काम किया है, काफ़ी सालों तक रही उनके साथ, और स्टिल अभी जो हैं ऑल ओवर इंडिया के साथ और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का काम करती हैं। वहाँ पे जाके यू नो लोगों को इंस्पायर्ड करती हैं, मैं तो यही कहूँगा। एग्जैक्टली, और सबसे पहले तो यू नो जब मुझे पता चला कि आखिर सॉफ्ट स्किल में हम खुद को डेवलप कैसे करें, यू नो मेरे अंदर तो बहुत सारे टैलेंट है, खाना खाने से लेके खाना पकाने तक और यू नो दोस्तों के साथ बातें करने से लेकर घूमने तक, लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल वाला जो आपने बेड़ा उठाया, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर से उसका खुद का टैलेंट झटक से बाहर निकालना, इट्स वेरी टफ टास्क, और ऊपर से सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो व्हाट अबाउट, मतलब इसका क्या मतलब है, क्या मैं लिसनर समझें किस तरह के आप जो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देती हैं या किस तरह का आपका अभी तक का काम है? ओके, सी सॉफ्ट स्किल्स, सबसे पहले आप सबको समझना ज़रूरी है कि ये आखिर है क्या, जैसा कि हमारे ऋषभ खुद परेशान है कि ये सॉफ्ट स्किल्स क्या है आखिर। हम सबको ये समझना चाहिए कि जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में बुक्स के द्वारा जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी कुछ पढ़ाई करते हैं, वो सब हमारा हेल्प करता है मशीन से डील करने में, ताकि हम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे, गैजेट्स पे, सब मशीन्स पे अच्छे से काम कर पाए। मगर आप सबको ये भी मालूम है कि काम हमें करना पड़ता है इंसानों के साथ। तो इंसानों के साथ कैसे काम किया जाए, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने के अलावा उनको ये बताना कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि वो काम करें, और कैसे अपना इंस्ट्रक्शन या अपना मैसेज या उनको बताना कि हम चाहते हैं कि आप ये काम करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो इन सब को सीखने के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा काम है वो सही समय पे हो जाए, बिकॉज हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। Exactly. अब चाहे आप अमिताभ बच्चन हो या मोदी जी हो, अब इन्हीं 24 घंटों में आप वाव कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब बताता है आपका सॉफ्ट स्किल्स। क्या बात है, तो लाइक कि आप कम से कम टाइम में या फिर परफेक्ट टाइम में अपने परफेक्ट काम को परफेक्टली कैसे करें, ये सब बताता है आपका सॉफ्ट स्किल, और इन्हीं सब की ट्रेनिंग जो है सेशन ऋचा जी देती हैं। एग्जैक्टली, और अगर जो आप किसी भी तरह की बात, किसी भी तरह की यू नो चीज़ें आप जानना चाहते हैं या फिर कनेक्ट होना चाहते हैं ऋचा जी के साथ डायरेक्ट लाइव विद रेडियो खुशी 90.4 एफएम, तो एक नंबर है जो कि है 8057230000। आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, और मैसेज टेक्स्ट नहीं भी कर सकते तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो कॉल कर सकते हैं। ये देर इज़ अ थ्री ऑप्शन जो आपके तीन इस सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर रहा है, तो फटाफट से अपना मैसेज यहाँ पे छोड़ सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं किसी भी तरह की बात को जानने के लिए। आगे जानेंगे कि आखिर जो है कब तक, और यू नो एक बच्चे की एज होती है, स्टार्टिंग पीरियड जो होता है एक छोटे बच्चे के साथ, और यू नो प्रोफेशन में आने तक लेके, प्रोफेशन के अंदर ढलने तक
कितने सारे स्किल्स जो हैं आप खुद के लिए डेवलप करते हैं और वो कहाँ किस सेक्टर में पर्सनली प्रोफेशनली और सोशली कितना आपको जो हेल्प करते हैं आपके काम को और आपके अंदर की इनर सोल को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। फिलहाल रिचा और मैं यानी रेडियो ऋषभ आप सभी के साथ हैं यहाँ पर लाइव रेडियो खुशी 90.4 FM पर। एक प्यारा सा जो गाना आपके पास मैं भेज रहा हूँ, जरा इस गाने के दो चार हम बोल सुन लेते हैं। एग्जैक्टली कौन सा वाला गाना आ रहा है आपके पास? गाना मोहब्बत गुम है गुम है। हाँ जी, एक कुड़ी जिदन नाम मोहब्बत, ये वाला गाना आप सभी के पास रेडियो खुशी 90.4 FM गुनगुनाते रहिए। जी वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो खुशी मेरे और ऋचा के साथ। एग्जैक्टली रेडियो खुशी 90.4 FM मेरे रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहा है इवनिंग काउंट डाउन। टाइम चेक बोले तो स्टूडियो की घड़ी से 6:25। तो ऋचा जी हमारे साथ जो कि इनविंसिबल वाओ डॉट कॉम की फाउंडर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। हेलो ऋचा जी, कैसे हैं आप? हाय, फर्स्ट क्लास, ऑसम, एंजॉयिंग माय सेल्फ। एग्जैक्टली, और यू नो एक वाक्य है कि कोई आपके साथ नहीं तो आप खुद के साथ हो। एग्जैक्टली, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एग्जैक्टली यू नो अभी आपने बात करी थोड़ी देर पहले ही, सभी लिसनर्स को बताया कि आप जो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, बहुत सारे सेशन लिया हैं आपने ऑल ओवर इंडिया में। तो मेरे को ये जानना है कि ये जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो आप देती हैं तो इनमें वेरिएशन होती हैं, टाइप्स होती हैं? बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा है कि प्रेजेंटेशन स्किल होता है और कि बहुत सारे स्पोकिंग स्किल होती है आपकी, कैसे आपको खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपका बिहेवियर होने वाला है। तो इन सब में क्या वेरिएशन है, किस तरह से जो है एक नॉर्मल इंसान अपने खुद की इनर की स्किल को एग्जैक्टली पहचानता तो है लेकिन बेटर बना सकता है? ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल्स के द्वारा हम सिर्फ अपने आप को पहचान ही नहीं सकते, मगर एक ऐसा हिडन टैलेंट भी बताता है सॉफ्ट स्किल जो आपको खुद नहीं मालूम होता। क्योंकि बड़ी मज़ेदार चीज़ें ये होती है कि हम अपना ही टैलेंट नहीं पहचान पाते, हम दूसरों का टैलेंट बहुत आसानी से बता देते हैं मगर अपने बारे में हमारा एक यूनिकनेस, हमारा एक स्ट्रेंथ या हमारा एक डोमेन सब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ में हम बहुत अच्छे हैं, तो उसको पहचानने के लिए सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़, आप बिल्कुल सही हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग अलग अलग टाइप्स की प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो छात्र लोग पढ़ते हैं उनको ज़रूरत होती है जॉब क्लियर करना, बहुत ज़रूरी है, जैसे ही वो कॉलेज की स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए उनको ज़रूरत है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू स्किल्स, कि वो इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। अब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको सही ढंग से बोलना आना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आप सोचिए सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ही नहीं, सब जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, या आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको अपनी मेडिसिन्स बेचनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको सही ढंग से सही टाइम पे किस शब्द का यूज़ करना है वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जो एक कोर एरिया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर की, तो कॉरपोरेट में जो लोग काम करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, उन सबको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब उनका प्रमोशन का या उनकी सैलरीज इंक्रीज करने का समय आता है तो उनके जो डायरेक्टर लेवल पे वो कैसे डिसाइड करें कि हम एक इंसान को प्रमोट करें या नहीं करें, उनको एक बेहतर पोजीशन पे आगे बढ़ाएं या अभी थोड़े साल उसी पोजीशन पे रहने दें, तो इन सबको जानने के लिए वो TNI ट्रेनिंग, नीड एनालिसिस ट्रेनिंग करवाते हैं, जिसमें अगेन हम सॉफ्ट स्किल्स टूल्स का उपयोग करते हैं। और जैसे कि मैं बता रही थी, स्टूडेंट्स को ज़रूरी होता है इंटरव्यूज क्लियर करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, और कभी कभी जब स्टूडेंट्स शुरू शुरू में कॉलेज आते हैं कितने डरे हुए होते हैं। एग्जैक्टली, लाइक मी, पहला दिन था कॉलेज का कि बाय गॉड कहीं रैगिंग हो गई तो। सीरियसली, रैगिंग तो अब
काफी हद तक बैन हो गई है, कंट्रोल्ड है, मगर उसके अलावा सबसे पहले तो जब 12th पास करके स्टूडेंट्स आते हैं तो वो घर बहुत मिस करते हैं, तो एक कॉलेज की एनवायरनमेंट में ढलने में बहुत समय लेते हैं, और उनके माइंड में इतना सारा डर होता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या कैसे लोग होंगे, जो वो पढ़ाई की जाएगी वो हमारे मतलब की है या नहीं है, तो बहुत सारी चीजें उनको परेशान करते रहती हैं, तो उन सब चीजों से निकलने में भी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग उनको बहुत मदद करता है। तभी हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ईयर की ट्रेनिंग भी लें ताकि वो थोड़े कॉन्फिडेंट फील करें और उनको कॉलेज का एनवायरनमेंट से थोड़ा उनका क्या बोलना चाहिए, जागरूकता, नो अवेयरनेस उनका बहुत जरूरी है, घुलना मिलना सब नए लोगों के साथ आना चाहिए, कैसे वो सबको फ्रेंड्स बनाएं, क्योंकि जब तक फ्रेंड्स नहीं होते ना तब तक मजा नहीं आता चाहे वो एक नई वर्क प्लेस हो, कॉलेज लाइफ में तो एग्जैक्टली होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, तो ऐसे ही अगर हम बात करें जो लोग नई वर्क प्लेस ज्वाइन करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच ओवर करते हैं या नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तब भी आपके लिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत हेल्प करता है। सो इन अ वे सॉफ्ट स्किल्स सब जगह है, हर सेक्टर में है, हर डिपार्टमेंट में है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ ऋचा जी जो हैं कितने सारी स्किल्स पर काम करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन्होंने बताया, और स्पोकन इंग्लिश के साथ काम करती हैं, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल के साथ काम करती हैं, इंटरव्यू स्किल्स के साथ साथ मैम ने बताया, और ग्रुप डिस्कशन स्किल्स, बहुत सारे लोग डरते हैं कि बाय गॉड ग्रुप में किस तरह से बोला जाए, और रिज्यूम बिल्डिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और टीम बिल्डिंग इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे फैमिली में हो या फिर घर में हो या फिर बाहर हो, टीम बिल्डिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको किसी टीम को लीड करना है या फिर आप एक ग्रुप में हैं तो किस तरह से आप टीम बिल्डिंग को हैंडल कर सकते हैं, लीडरशिप एग्जैक्टली, एंड मोटिवेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल के यूथ में, और रिसेंटली अभी हमने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अवेयरनेस के लिए एक दूसरे के साथ शेयर किया, तो ये जो मोटिवेशनल स्किल है मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक दूसरे को मोटिवेट करने या सेल्फ मोटिवेट करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के साथ एम्प्लॉई एंगेजमेंट और सुपर एनुएशन, ये एक प्रोग्राम है जो हम जो बहुत हाई पोजीशंस पे लोग होते हैं और रिटायरमेंट के करीब होते हैं, ओके, तो उनके लिए भी आप सोचिए जो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, तो अब क्या, उनके अंदर भी बहुत सारा एक फियर फैक्टर होता है, डर होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो उनको परेशान करते हैं, तो उस सिचुएशन को वो कैसे कोप अप करें, आगे के लिए प्रिपेयर कराते हैं हम उनको, आगे की जर्नी उनकी, आगे की जिंदगी वो कैसे व्यतीत करेंगे, तो इसके बारे में भी हम हेल्प करते हैं इस सेशन के द्वारा। ओके, और अगर जो आप चाहते हैं ऋचा जी से डायरेक्ट बात करना है, मैसेज करना है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एग्जैक्टली, और नंबर आपको बता देता हूँ 8057230000, लेकिन अगर जो इनसे आप किसी भी तरह से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो कैन आई शेयर योर मोबाइल नंबर, एग्जैक्टली दे सकते हैं, वैसे मोस्टली लड़कियाँ मोबाइल नंबर नहीं देती लेकिन ऋचा जी हैं अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, नंबर आपको मैं बता देता हूँ, ऋचा जी का नंबर है 9837258857, एम आई राइट? यस, और दूसरा ईमेल एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, richawow@yahoo.com, आई रिपीट इट अगेन, richawow@yahoo.com, जी हाँ, यहाँ पर आप जा सकते हैं, ऋचा जी को ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पर आप ऋचा स्किल ट्रेनर के नाम से हैं, इनफैक्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं YouTube पे भी हूँ, और YouTube पे मुझे लोग जानते ही इस नाम से हैं, ऋचा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। एग्जैक्टली, तो इनके लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन डिजिटली आप YouTube पर जाकर फॉलोअप कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ऋचा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। एग्जैक्टली, तो फिलहाल एक प्यारा सा गाना मैं प्ले कर रहा हूँ स्पेशली मेरी तरफ से ऋचा जी के लिए, दो दिल मिल रहे हैं, वैसे आपके और मेरे दिल भी मिल रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ वन एंड ओनली ब्यूटीफुल लेडी है स्टूडियो में, विद रेडियो खुशी 90.4 FM, विद मी रेडियो ऋषभ, शो चल रहा है इवनिंग काउंट डाउन, तो ये गाना फिलहाल ऋचा के लिए, टाइम चेक बोले तो 6:34 स्टूडियो की घड़ी से। वे
वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 FM, मेरे यारी रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहे हैं काउंट डाउन। टाइम चेक बोले तो 6:44, ऋचा है हमारे साथ स्टूडियो में। हेलो ऋचा, कैसी हैं आप? हाय, फर्स्ट क्लास एंजॉयिंग, आई होप आप सब भी एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और आपकी प्यारी प्यारी और इतनी अच्छी इनोवेटिव मोटिवेटिव बातें सुन के तो एग्जैक्टली जितने भी सारे लिसनर्स हैं ना उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और सबसे पहली चीज़, यू नो, मैं बहुत देर से सोचे जा रहा हूँ, ये जो invincible wow.com है इसका मतलब क्या है? Invincible Wow एक मेरी अपनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इस नाम का कुछ मीनिंग, जैसे मेरे नाम इनविंसिबल, जो कभी थकता नहीं है, जो कभी हार नहीं मानता, जो ये नहीं सोचता कि क्या समस्याएं हैं, जो सिर्फ ये सोचता है कि सॉल्व कैसे होगा, That's why it's जो सॉल्यूशन के बारे में सोचता है और क्रिएट करता है एक वाओ। एग्जैक्टली, सो सी, मेरी कंफ्यूजन तो थोड़ी थोड़ी दूर हो रही है। एग्जैक्टली, अगर जो आपके पास भी कंफ्यूजन है तो नंबर है 8057230000। लेकिन एक और चीज बड़े देर से सोच रहा हूँ मैं, you know, हाँ जी पूछिए। वो चीज ये है कि आपने, यू नो, इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर स्कूल्स एंड बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप रहे, लेकिन सडन यू थिंक इट कि अभी जो है ट्रेनर बनना है, और वो भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, लोगों के अंदर के हिडन टैलेंट को बाहर निकालना है। तो इट्स वेरी टफ टास्क, लेकिन यहाँ तक आने का जो मन बनाया अपनी पूरा, क्योंकि जल्दी होता है ना कि अगर जो एक नौकरी छोड़ के दूसरी जगह स्विच करना है तो इट्स वेरी टफ, माइंडली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर चीज़ से लेके। बिल्कुल सही ऋषभ, ये जर्नी आसान नहीं थी, बिलीव मी, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन था मेरा। क्योंकि शुरू शुरू में जब आपके पास कोई नहीं होता है गाइड करने के लिए, आप सोचिए 12th पास करने के बाद आपको समझ ही नहीं आती है कि आप करें क्या लाइफ में, क्योंकि आप जैसे ही स्कूल से बाहर निकलते हैं आपके पास इतनी सारी चॉइस होती है। और अगर आपके पास सही मेंटोर नहीं है, मेंटोर मतलब गाइड करने वाला इंसान नहीं है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं, या फिर आप वही करते हैं जो आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, या आप वही करते हैं जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप करें, तो आप चुपचाप उसी जर्नी को फॉलो करते रहते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही करा। और एक और मजे की बात, मैंने काम करना शुरू कर दिया था जब मैं क्लास 10th के रिजल्ट की वेट कर रही थी। सीरियस, सो दैट वाज अनदर स्टोरी। इसीलिए लोग मेरे से, कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान होते हैं कि इतनी यंग एज में तुमने इतना सारा कुछ कैसे कर दिखाया। एनीवे, दैट इज अनदर स्टोरी। तो हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि आप सबकी लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। Exactly. तो जैसे ही मैं 12th के बाद आई, सबसे पहली जो मुझे एक बड़ी आसान एंट्री लाइन दिखी वो थी टीचिंग। और जो शायद मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमेशा से मुझे एजुकेशन सेक्टर बहुत अट्रैक्ट करता था कि मुझे इसी सेक्टर में, इसी लाइन में रहना है। तो मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई के जॉब करना शुरू कर दिया। फाइन, क्योंकि देहरादून में रहने का एक एडवांटेज था, अटेंडेंस मैनेज हो जाती है। Exactly. ये आप किसी और को मत बताना। तो अटेंडेंस मैनेज हो जाती है, इसका मैंने सोचा एडवांटेज लिया जाए। तो अब खाली तो बैठना मेरे अंदर है ही नहीं शुरू से, यू नो, यू कैन इमेजिन के जो इंसान 10th क्लास से जॉब कर रहा हो तो उसको तो फिर हैबिट हो जाता है, राइट? तो जब मैं 10th क्लास के रिजल्ट की वेट कर रही थी तब मैंने जॉब करा, जब मैं 12th क्लास के रिजल्ट की वेट कर रही थी तब भी मैंने जॉब करा, चाहे वो 2 घंटे की जॉब थी, चाहे वो 4 घंटे की जॉब थी, मगर कुछ ना कुछ करते रही। तो ऐसे ही मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ भी जॉब करना शुरू करा। अब टीचिंग करते करते एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी, और वो चीज थी, जैसे ही मैं क्लास में जाती थी तो कहीं ना कहीं 50 बच्चे होते थे और कहीं 60 बच्चे होते थे, और हर बच्चा अलग होता है, बिकॉज दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, ये सब इंसान है। ये कोई IBM की मशीन नहीं है, या डेल का लैपटॉप नहीं है, या मैक नहीं है कि हर मशीन सेम होगी। और मेरे अंदर एक चीज जो और परेशान करती थी वो है कि जो भी सिलेबस है मुझे वही पढ़ाना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं सकती। कभी कभी ये चीज समय अलाउ नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास बच्चों से मिलने के लिए हफ्ते में 2
क्लासेस हैं या एक है, और अगर कुछ कराना चाहते भी थे तो मैनेजमेंट अलाउ नहीं करेगी. आप जब कहीं काम करते हैं तो आपको पूरी तरह अपनी मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयर को फॉलो करना है. जो भी रूल्स हैं वो तो आपको मानने ही पड़ेंगे, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो. तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत समय से बहुत परेशान कर रही थी. मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था. ऐसे ही करते करते मैं एक स्कूल में जॉब कर रही थी और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, के लिए ट्रेनर्स को बुलाया, इनवाइट करा बैंगलोर से. और उस दिन जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, मेरा एक यूरेका मोमेंट था. यूरेका मोमेंट, मैंने अपने आप को एक्चुअली में खोज लिया कि मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ और यही मेरे लिए सही चीज है. मगर आप सोचिए कि मैंने इतना समय जो उससे पहले लगाया था वो सब मेरे लिए, इन अ वे क्यों मुझे इतना टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास मेंटोर नहीं था. एग्जैक्टली राइट. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेंटोर का होना कितना जरूरी है हमारी लाइफ में. और जैसे ही मैंने उस दिन माइंड मेकअप करा कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर ही बनना है, और मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक चाय के लिए छोटा सा ब्रेक था 15 मिनट का, उसमें मैंने उनसे बातचीत करी और बातचीत के द्वारा ये पता लगाया कि आखिर ये ट्रेनर बनते कैसे हैं. और उस दिन से मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं नहीं छोड़ा जब तक कि मुझे उन लोगों ने सही रास्ता, सही दिशा नहीं दिखाई. तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे उस प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे, मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, कोई ऐसे ही मैं एकदम से मैंने ये अडॉप्ट नहीं करा. डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आए इस जर्नी में, प्रॉब्लम्स के बगैर तो लाइफ में कुछ नहीं मिलता है. तो बस वो दिन था और आज का दिन है, तब से मैं ट्रेनर बन गई एंड इतने सारे लोगों के मेंटोर. यस डेफिनेटली. मैं मेंटोर आईएमटी गाजियाबाद स्टूडेंट्स की रह चुकी हूँ, आईआईटी रुड़की स्टूडेंट्स की भी रह चुकी हूँ, और अब शायद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की मेंटोर रह चुकी हूँ. तो बाय गॉड, मतलब इतने सारे, यू नो, मुझे लग रहा है कि जैसे इन्होंने किया था ना, सोशल मीडिया और जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, अपने मेंटोर को इन्होंने खोजा था. यहाँ से जाने के बाद मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ. एक चीज और मुझे आपसे ये जाननी है कि जो न्यू यूथ है, हाँ जी, मतलब जितने भी लाइक मी इंक्लूडिंग मी, ओके ओके ग्रेट, जितने भी जो युवा हैं या यूथ हैं, जो न्यू बच्चे हैं, जो एजुकेशन खत्म करके एक सेक्टर में आना चाहते हैं, अपने पसंद की चीज़ करते हैं, लाइक मेरे को रेडियो पसंद है तो मैं यहाँ हूँ. बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पसंद है लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ है. जैसे कि कोई इंजीनियर है लेकिन उसको होना है आर्टिस्ट, कोई डॉक्टर है लेकिन उसको होना है एक फोटोग्राफर. तो लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूथ हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनके अंदर का स्किल क्या है. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्विच ऑन करना, मूव ऑन करना अपनी फील्ड से. आप 2 साल इधर नौकरी करी, 3 साल किसी कहीं और करी, फिर दूसरी जगह किसी और कर दी, फिर किसी और फील्ड में चले गए. लाइक कि अभी आप टीचर हैं, फिर आप इंजीनियरिंग में चले गए, फिर आप सिंगर बन गए. तो ये कहीं ना कहीं जो है आपकी एक अनप्रोफेशनल वाली फील्ड को दिखाता है. तो ये कितना इसमें एक आपके अंदर की इनर स्किल्स है, जो सॉफ्ट स्किल्स है, कितना हेल्प करती है, या किस तरीके से आपने आपको सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए? सबसे पहले तो जो यूथ है, आपको मालूम है यूथ कौन होता है? यूथ एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. वो इंसान ऐसा इंसान है जो बहुत कुछ करना चाहता है, एनर्जी फुल है उसके अंदर, मगर इस एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है. और उसको हमें सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है. तभी मैंने आपको बोला एक मेंटोर ढूंढिए अपने लिए, एक ऐसा मेंटोर जो आपको गाइड कर सके, सही दिशा का बता सके. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपने साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. हम इस भीड़ में, जिसको मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, इस रैट रेस को फॉलो करते 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 कहीं ना कहीं अपने आप को, जो हम एक्चुअली में हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और खो जाते हैं इस भाग दौड़ में. और भूल जाते हैं कि भाई हमें करना क्या है आफ्टर ऑल. तो इन सबको जानने के लिए सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत मदद करता है. एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर आपके अंदर
का जो एक ऐसी चीज है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो पकड़ने में हेल्प करता है। एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर आपको पुश करता रहेगा, आपको किक करता रहेगा जब तक कि आप अपने सपनों को सच नहीं बना लेते। एग्जैक्टली। तो यानी कि एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और अपने अंदर के खुद के इनर सोल को पहचानना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और दूसरी चीज जो आपने कही, जो आजकल का हमारा युवा है वो बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर भाग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है वो जॉब कर रहा है एक साल से, और उसको जैसे ही दूसरी कंपनी का कुछ वर्णन पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं या वैकेंसी देखते हैं, और वहाँ लगता है कि हाँ वो मुझे थोड़ी ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है, वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं, एकदम से वहाँ पे रिज़ाइन करके और दूसरी जगह भागते हैं। आप सोचिए आप कब तक भागते रहेंगे। Exactly. एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह काम कर रहे हैं आप मुश्किल से 6 महीने, दूसरी जगह काम करते हैं आप शायद 1 साल। तो ऐसे करते करते एक तो आपका अपना रिज्यूमे खराब हो रहा है, अपना प्रोफाइल को आप खुद खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है परसिस्टेंस और पेशेंस। जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पेशेंस रखिए। Exactly. हर अच्छी चीज करने में समय लगता है, कभी कभी 2 साल, कभी कभी 3 साल, किसी किसी इंसान को 10 साल भी लग सकते हैं, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि धीरे धीरे काम करिए, उसको सीखिए और मन लगा के करिए। और परसिस्टेंस मतलब लगातार करिए, लगातार आपको काम करते रहना है, हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली। तभी आपको लाइफ में कुछ मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने अंदर के उस कीड़े को पहचानिए कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप बिना घड़ी की तरफ देखे हुए करना पसंद करते हैं, चाहे रात के 10 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए। इसको हम बोलते हैं पैशन। एग्जैक्टली। पीछे पड़ जाओ, ढूंढो वो अपना एक गुण, वही आपकी असली पहचान है, और उसको फॉलो करिए। और एक चीज जो आप सबको याद रखनी है, दिस इज माय मैसेज फॉर ऑल द यूथ, जो आजकल का हमारा ये जो युवा है, जो आजकल का यूथ है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज 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 बी एम्पथेटिक। एग्जैक्टली। आप समझिए कि हर एक जना इंसान है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। एग्जैक्टली। बिकॉज आजकल की भागदौड़ में आप सब लोग इतना खो गए हैं कि आप सबने इंसानों को एक गैजेट्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। आप सब सोचते हैं कि वो भी एक लैपटॉप है या एक मशीन है। प्लीज ऐसा मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे तो आप उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो एक गार्ड हो, चाहे वो एक हेल्पर हो, बॉय हो जो आपको पानी सर्व कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। प्लीज डू दैट। This is my personal advice. Exactly. और you know, अपने अंदर के छुपे हुए hidden talent को तो पहचानना आप ही को पड़ेगा, चाहे वो आप चाहे अंधेरी कोठरी से बाहर निकलिए या फिर एक सूरज की रोशनी के नीचे रहिए। कहते हैं ना कि डरा हुआ इंसान अगर जो बात करता है तो वो अपनी ओरिजिनल भाषा में बात करता है, या फिर घबराया हुआ इंसान हमेशा अपनी मातृभाषा को ही चुनता है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो दैट्स मीन आपकी इनर टैलेंट क्या है ये आपको खुद पहचाननी होगी। फिलहाल एक प्यारा सा गाना जो मैं आपके पास भेज रहा हूँ रेडियो खुशी 90.4 FM पर, वो बड़ा ही प्यारा गाना है। ऋचा जी, मेरी तरफ से आपके लिए गाना बहुत प्यारा है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, और अगर जो आपकी जबान से कोई शब्द हर्फ बाहर निकले तो मोहब्बत के निकलने चाहिए। रेडियो खुशी 90.4 FM, मेरे यानी रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहा है इवनिंग काउंटडाउन। आज है हमारे साथ लाइव ऋचा, जो कि है सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। बात करेंगे इनसे और भी बहुत सारी। फिलहाल ये खूबसूरत गाना आपके पास, रेडियो खुशी 90.4 FM, गुनगुनाते रहिए। More hit music. Showtime, ladies and gentlemen. Now. Start now. Here we go. 90.4. 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 90.4
वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम, मेरे यानी रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहा है इवनिंग काउंटडाउन। और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में यानी कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम के स्टूडियो में लाइव हैं ऋचा, जो कि हैं स्किल सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, है ना। और बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी बातें पूछ भी चुके हैं, लेकिन जिंदगी और जिंदगी के असली मायने तब समझ आते हैं जब लाइफ में ठोकर मिलती है, कामयाबी भी मिलती है, उसके बाद खुद से खुद का एक्सपीरियंस होता है, खुद से रूबरू वाला कनेक्शन होता है, यानी खुद को पहचानने वाला जो टैलेंट होता है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ऋचा जी कि जब आपने ये इनविंसिबल वाव आपने इनोवेट किया, फाउंडर बनी, डायरेक्टर बनी और आज बहुत अच्छा काम कर रहा है और एग्जैक्टली ऑल ओवर इंडिया में आप जो हैं बहुत सारे सेशन लेती हैं, है ना, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, तो इसकी शुरुआत तो हुई लेकिन चैलेंजेस क्या क्या फेस हुए? इनफैक्ट बिना चैलेंजेस के तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है, ये बहुत मज़े की बात है। और दूसरी मज़े की बात ये है कि हम में से कितने लोग सोचते हैं कि भाई हमें सब कुछ मिल जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। वेल इनविंसिबल वाव मेरी जो अपनी ट्रेनिंग कंपनी है ये कैसे शुरू हुई, ये तो एक बहुत ही मजेदार कहानी है। ये मुझे इस मजेदार कहानी का हिस्सा मुझे जरूर बनना चाहिए। आई एम श्योर हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण हैं जो ये मजेदार हमारी बातचीत सुन रहे हैं। एग्जैक्टली एक टाइम था जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। खैर मेहनत और काम करना तो मेरे अंदर है, मेरे ब्लड के अंदर है, खून में है, उसके अलावा तो ना कुछ दिखता है ना कुछ समझ में आता है। तो उस समय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते करते एक टाइम आया जब वो अच्छा नहीं कर रहे थे, तो मेरे होते हुए वो अच्छा नहीं कर रहे हैं ये बात कुछ जमी नहीं मुझे। मैंने कहा अब तो कुछ नया करना पड़ेगा ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हमारी, क्योंकि हम जब भी कहीं काम करते हैं तो हम बन के करते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल उस समय 10 घंटे काम कर रही थी तो मैंने सोचा ठीक है कुछ नहीं होता, 12 घंटे बढ़ा देते हैं, मतलब 12 घंटे काम कर लेंगे, 2 घंटा ही तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मगर हम आगे तक बढ़ पाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं आगे तक लेके जाऊंगी और अच्छा प्रॉफिट आएगा हमारे पास। करते करते हमने प्लान करा एक बहुत बड़ा इवेंट करने का, और जैसे ही वो इवेंट हर जगह प्रमोट कर दिया गया, फेसबुक पे, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, एकदम से पता चलता है कि कोई भी इंसान मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। आप सब ने एक बचपन में शायद अपनी नानी से या दादी से एक कहानी सुनी होगी कि मक्की कौन पीसेगा, कोई नहीं, मगर रोटी कौन खाएगा, सब। तो दैट मीन्स रोटी खाने के लिए जब सब कुछ अच्छा चलता है तो आपके साथ सब लोग होते हैं, और जब कोई ऐसा फेज आता है जब शायद आपके साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा हो तो लोग आपका नंबर भूल जाते हैं, आपको भी भूल जाते हैं। ये एक रियलिटी है, ये एक कड़वा सच है, लाइफ ट्रू रियलिटी। एग्जैक्टली। और जब आप अच्छा करते हैं, जब आप छा जाते हैं पूरी दुनिया में, तो हर इंसान के पास आपका नंबर भी आ जाता है, आपका ईमेल एड्रेस भी आ जाता है, और आपसे मुलाकात करने के लिए वो वक्त भी निकाल लेते हैं जो उनके पास शायद पहले नहीं था। तुम आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। आपको देख के हम बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। कुछ ऐसी ही मजेदार कहानी हुई मेरे साथ उस दिन। अब मैंने एक चीज सोची कि अब इस इवेंट को हम प्रमोट तो कर चुके हैं, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। वो आप सबने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी पढ़ा होगा कि या तो आप भाग लो और या फिर आप भाग लो। अब कौन सा भाग लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पीछे तो जाने वालों में से मैं हूं नहीं, काम तो करना है, जब सोच लिया है तो करके दिखाना है। तो उस दिन मैंने सोचा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कुछ लोग हैं थोड़े से जो मेरे साथ नहीं है। Exactly. मगर अब शायद टाइम आ गया है कि मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा,
तो मुझे अमिताभ बच्चन की ना बहुत सारी मूवीज याद आई और ये याद आया कि हर मूवी में अमिताभ बच्चन ने अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ी है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट राइट. तो शायद वो उस दिन मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बन गए और मैंने उस दिन इनविंसिबल वाओ इंट्रोड्यूस कर दिया. माय गॉड, इट्स रियली वेरी प्रीशियस स्टोरी. एग्जैक्टली. एंड यू नो, लाइफ में अगर जो मुझे भी लगेगा कुछ की छोड़ो यार, देन आई थिंक अबाउट योरसेल्फ. आई एम हैप्पी टू हियर दैट. माय गॉड, रिचा को देखो कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो मतलब मैं क्या चीज हूँ. मुझे भी जरूर करना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल करना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है. थ्योरी है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि बस चलते रहो. अगर जो नहीं पता आपको रास्ता कि कहाँ जाएगा, बस रुको मत, चलते exactly. रहो चलते रहो चलते रहो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओ. मगर इसमें एक थोड़ा सा चेंज है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव, अगर आपका मोटिव अच्छा है ना, तो बिलीव मी आपके साथ इतने लोग जुड़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है. और आपकी जर्नी चलते 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 आप खुद दौड़ने लगते हैं. You don't know. Exactly. It's very important कि आप जो है किसी काम को कर रहे हैं ना, तो बस करते रहिए. और एक डायलॉग भी है शाहरुख खान की मूवी का कि किसी चीज को अगर जो पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की जरूरत करती है. Exactly. बहुत सही. तो आप शाहरुख खान के फैन हैं मुझे लगता है. इस डायलॉग का तो मैं जरूर फैन हूँ, लेकिन आज के बाद मैं आपका फैन हूँ. Oh, thanks a lot. Exactly. It's very important कि being a lady, right? यू नो, चाहे हम कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी बड़े हो जाएं, या फिर कैसे भी सोसाइटी में रह लें, कैसे भी समाज में रह लें, चाहे 21वीं सदी में ही क्यों ना आ जाए, जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं कंधों से कंधा कदम मिला के लड़कों से चल रही हैं, लेकिन बीइंग ए लेडी मुझे लगता है कि आपकी ये जर्नी मेरे से 10 साल पहले, 20 15 साल पहले शुरू हो गई होगी. या अभी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो और आगे भागना है, दौड़ना है. एग्जैक्टली. अभी तो आंखें खुली है. तो यू नो, मैं बहुत यू नो अपने उम्र को तो नहीं इसको तकाजा दूंगा, लेकिन हाँ ये है, कहना चाहूंगा कि बींग ए लेडी अगर जो आप किसी काम को करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस और फेसेस आपके साथ आज भी आते हैं. एग्जैक्टली. और उस दिन सोचिए, उस दिन जब मैंने इनविंसिबल वाओ के साथ ये सब जर्नी स्टार्ट करी, तो मेरे साथ वो ही लोग वापस भी आ गए जो कभी नहीं थे और जो उस दिन गिव अप कर चुके थे कि नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आज क्या हो जाएगा. तो ये चीज मेरी याद रखिए, आपको लाइफ में 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे नहीं छोड़ो ना, क्यों इतना काम कर रहे हो, अरे नहीं अपना टाइम क्यों बेकार वेस्ट कर रहे हो, चलो मूवी देख के आते हैं. आपको इस तरह के लोग बहुत मिलेंगे. तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे लोगों की कौन सी बात सुननी है और नहीं सुननी, किस बात को आपको फॉलो करना है और नहीं करना है. एग्जैक्टली. तो वेल, रिचा के साथ और भी बात करेंगे. आखिरी और एक आखिरी लम्हा जरूर शेयर करूंगा आप सभी के साथ, लेकिन अभी नहीं. एक प्यारा सा गाना आप सभी के पास, रेडियो खुशी 90.4 FM, गुनगुनाते रहो ओनली ऑन रेडियो ऋषभ के साथ. शो चल रहे इवनिंग काउंटडाउन, टाइम चेक बोले तो 7:14, रिचा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आज हमारे स्टूडियो के साथ लाइव. Come on, man. Give me sugar. More hit music. Showtime, ladies and gentlemen. Now. Start now. Here we go. 90.4. वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 FM, मेरे यानी रेडियो ऋषभ के साथ शो चल रहा है इवनिंग काउंटडाउन. और एग्जैक्टली टाइम चेक बोले तो स्टूडियो की घड़ी से 7:30. और एग्जैक्टली मैं अकेला नहीं हूँ फिलहाल, रिचा भी है हमारे साथ, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और फाउंडर एंड डायरेक्टर invincibleWOW.com की, है ना. हाय रिचा, कैसी हैं आप? हाय, एक्सीलेंट, ग्रेट, एंजॉयिंग. क्या बात है, ऑलवेज एक्सीलेंट, ग्रेट एंड एंजॉयिंग, है ना. Yes. और इट्स अ लाइफ, एंजॉय नहीं करेंगे तो लाइफ में थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन रहेंगे. बिल्कुल. और सॉन्ग्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, गानों के बारे में? गाने, वेल, आप तो जानते हैं कि जितने भी गाने हमें अभी प्ले करे हैं ये सब मेरे फेवरेट हैं. क्या बात है. तो वेल, मैं आपको पता है, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने वाला हूँ. हाँ जी.
वो ये कि जब हम गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं, थोड़े से टेंशन में होते हैं, तो हम गाने सुनते हैं. एग्जैक्टली. और जब एक्सट्रीम हैप्पी होते हैं तब हम तब भी हम गाने सुनते हैं. तो गानों की ये क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि हर मोमेंट में काम आते हैं. यस, दिस एक्चुअली में अगर आप ध्यान से सोचें तो गाने भी हमारी लाइफ की तरह हैं. चलते रहते हैं और एनर्जी ऐड करते रहते हैं. Exactly. और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं. और जैसे टाइप ऑफ सॉन्ग्स ना, गुस्से फ्लेवर में, भी है उसमें भी है. ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के लिए भी गाना है. और अगर जो आपका पैचअप हो गया तो पैचअप के लिए पैचअप के लिए गाना है. अगर आपका लव हो गया है उसके लिए भी गाना है. फर्स्ट क्रश है उसके लिए भी गाना है. दुखी हो तो उसके लिए भी गाना है. यस. तो वेल, मैं अभी आपसे ये जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट सारे लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, युवाओं के लिए या फिर जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे यूथ हैं, बुजुर्ग हैं या जवान हैं, एग्जैक्टली कि चलते चलते आपका एक मैसेज क्या होना चाहिए एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर की तरफ से. ओके. सी, यूथ को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आई नो हमारे लिए कई बारी ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, हमें बहुत गुस्सा आता है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ऐसा इंसान भी काम कर रहा है जो आपसे शायद डबल एज के हैं या जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं, एल्डरली लोग हैं. तो आप सब बहुत जल्दी 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 गिव अप करते हो, गुस्से में आ जाते हो. प्लीज़ ऐसा मत करो. आप सोचो उन लोगों के पास अगर आप टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है तो टाइम स्पेंड करिए और उनसे सीखिए. क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं. वो ऑलरेडी वो सब काम कर चुके हैं जो आप अभी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं. तो बेटर ये होगा ना कि उनसे सीख लो यार, उनसे दोस्ती कर लो. आप इतने सारे दोस्त बनाते हो तो कहीं ना कहीं उनको भी एक दोस्त बना लो. Exactly. और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो है एम्पथेटिक होना बहुत जरूरी है. प्लीज इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दो. लर्न टू रिस्पेक्ट देम, लर्न टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज ये इंसान है. हर इंसान में इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं. सो स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस. समझो एक दूसरे को. Exactly. रिस्पेक्ट करो. समझो कि शायद सच्ची में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी. आई अंडरस्टैंड बहुत लोग हमारे को आजकल ऐसे मिल रहे हैं जो शायद फेक हैं, जिनको हम बोलते हैं, या जो झूठ बोलने लग गए हैं. मगर प्लीज रिमेम्बर 100% लोग ऐसे नहीं हैं. आज भी हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे से शायद थोड़े से दूर कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं. एग्जैक्टली. तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा. Exactly. और अगर कोई इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके अंदर भी एक ना एक ऐसा गुण है जो आपको सीखना है. सो कीप लर्निंग. दिस इज द थर्ड मैसेज फॉर यू. एग्जैक्टली. ओके. सबसे पहला मैसेज जो मैंने आपको दिया वो ये है कि आपको एक्सपीरियंस लोगों से कुछ सीखना है. उनको रिस्पेक्ट देनी है. दूसरा मैसेज जो मैंने आपको दिया है वो है आप एम्पथेटिक बनिए. प्लीज रिस्पेक्ट करिए. हर इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करिए. और तीसरा मैसेज क्या दिया है मैंने ऋषभ? तीसरा मैसेज Keep learning. Learning कभी भी मत छोड़ना. ठीक है. क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप यंग हैं. You will be flying in the air, you will be rocking. और आपको कोई ये नहीं कहेगा अरे भाई तुम्हारी एज पता है क्या है. Exactly. पता है क्या होता है, मैं जब अपने पुराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में था तो मुझे बाहर जाने के लिए, गेट से बाहर जाने के लिए गार्ड ये कह देता था कभी कभी कि परमिशन ली है तुमने अंदर से? अच्छा. आप कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो? परमिशन ली है? ओके ओके. क्या मेरी शक्ल देखो और फिर बात करो. किससे बात करनी है? अथॉरिटी किससे बात? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. लोग आपको जो है आपके काम से नहीं, आपके कई बार जो है एक्सप्रेशन से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर आपको देख के ही जज कर लेते हैं. एग्जैक्टली. बिल्कुल आपने सही पकड़ा. नहीं होना तो आप एक तो लर्निंग मत छोड़िए. लर्निंग को जैसे आजकल हम स्मार्टफोन्स तो बहुत प्यार से यूज कर रहे हैं, मगर आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप खुद स्मार्ट बने हैं. अगर नहीं बने तो सीखिए कुछ नया. बिकॉज जो आजकल सॉरी टू से दैट, मगर वो एक और कड़वा सच है कि अलग अलग हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जा रहा है वो नया नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है. Exactly. वो वही चीज सिखा रहे हैं पिछले इतने सालों से. तो अपने आप को अपडेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ेगा. कीप लर्निंग.
और लास्ट मैसेज है कि अपने आप को हारना नहीं है, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस. Exactly. आपको गिव अप नहीं करना है, दैट इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस. आपको हार नहीं माननी है. एग्जैक्टली. ओके. और ऐसा मत सोचो कि मेरा जीवन या मेरी जर्नी हमेशा से ऐसी रही है. मैंने भी लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं. एक फेज ऐसा आया था जब मेरे को भी लगा था कि शायद आज मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ. मगर ऐसा कुछ हम सबकी लाइफ में होता रहता है. सो डोंट वरी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए. एक अच्छा सा ऋषभ को कहिए कि गाना प्ले करे, सॉन्ग सुने और वापस उठिए और भागने लग जाइए, दौड़ने लग जाइए. बी अ चैंपियन, बी अ विनर. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच रिचा, जिन्होंने के साथ हमारी बात हो रही थी. सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर invincibleWOW.com. यहाँ पर आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर डिजिटली जो है आप देख सकते हैं रिचा जी के लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर. डिजिटली प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, बिकॉज 21st century है और यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है. तो यहाँ पर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनको ढूंढ सकते हैं. सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं रिचा सॉफ्ट ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के नाम से ये मिल जाएंगे आपको सोशल मीडिया पे, जितने भी टाइप ऑफ सोशल मीडिया. एग्जैक्टली. आपको इजीएस्ट बताती हूँ, आप सिर्फ गूगल पे टाइप करिए रिचा सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, आपको पता चल जाएगा कि मैं एंकर में हूँ, मैं स्पॉटिफाई पे हूँ, मैं ट्विटर पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ. आप बताइए आपको कहाँ पे चाहिए, मैं आपको शायद वहीं पे मिल जाऊंगी. मगर आपको आगे बढ़ते रहना है. डोंट गिव अप. Exactly. Don't give up. And chatpat gana aapke paas yahan par only on Radio Khushi 90.4 FM par within a short commercial break. Main lautunga yahin par. बातें करेंगे. और हाँ जी, 8 से 9 तक मोहल्ला पड़ोस शेयर करता हूँ आप सभी के साथ. तो तैयार रखिए, आपके मोहल्ले पड़ोस में आज कौन सी हुई है ऐसी फनी वाली बात. रेडियो खुशी 90.4 FM गुनगुनाते रहिए. टाटा बाय बाय, शब्बा खैर. रिचा जी को हम कर देते हैं बाय बाय. कैसे हैं? बाय बाय. ख्याल रखिएगा अपना और हमें याद करते रहिए. बिल्कुल. एग्जैक्टली. और मैं भी आपको जरूर याद करूंगा, सोशल मीडिया में ढूंढता हूँ.